नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे पिछले सवाल में ये पिछला सवाल का क्वेश्चन है, पिछला सवाल जो लिए थे उसमें से छूट गया था। देखिए ध्यान देंगे हम लोग, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू ई का पावर रूट कॉट एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इधर भी ई टू दी पावर रूट कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं ध्यान देंगे सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, ई का, फिर रूट का, फिर कॉट एक्स का, तीन फंक्शन है यहां पर, पहले ई का, फिर रूट का, फिर कॉट एक्स का, ध्यान देंगे। तो e टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो x के रिस्पेक्ट में टू दी पावर x होता है ना, तो अभी ये डेरिवेटिव जब करेंगे e टू दी पावर cot x, cot x, तो e टू दी पावर x, x के जगह पर कितना काम कर रहा है, x के जगह पर पूरे रूट x है, यानी कि ये पूरे रूट अंडर cot x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और cot x फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट cot x होगा, और cot x फिर रूट, आप ध्यान से देखिए रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो पूरे अंदर के रिस्पेक्ट में जाता है, जितना रूट के अंदर में रहेगा उतने के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो रूट के अंदर कितना है, कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला करेंगे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर, सॉरी डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, कॉट एक्स का रूट कॉट एक्स का वन बटा रूट एक्स होता है, रूट एक्स एक्स के जगह पर कितना है कॉट एक्स, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई का पावर रूट अंडर cot x बटा कितना हो जाएगा टू अंडर रूट cot x। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या है कि लेट y इज इक्वल टू थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इंटू लॉग वन प्लस एक्स, नहीं ध्यान देंगे यहां पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, नहीं आपको मैंने बताया था कांस्टेंट जो है कांस्टेंट फंक्शन वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं होता, मैंने पहले लिखा दिया था आपको, तो ये थ्री क्या करेंगे, थ्री को बाहर ही लिखेंगे, डी टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इंटू लॉग वन प्लस एक्स पटा कितना हो जाएगा डी एक्स। ध्यान से देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, किसका रूल है, प्रोडक्ट रूल है, यहां से देखिए एक फंक्शन यहां पर है, दूसरा फंक्शन यहां से यहां तक है, यहां पे दो फंक्शन है, नहीं एक ये फंक्शन है दूसरा ये फंक्शन है, मतलब यू इंटू वी का रूल है, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं, यू इंटू वी का रूल, या फिर मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स का रूल बताया होंगे, तो यू को छोड़ देते हैं वी का डेरिवेटिव करते हैं, और प्लस वी को छोड़ देते हैं यू का डेरिवेटिव करते हैं, ये इसका क्या है रूल है, प्रोडक्ट रूल है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये थ्री तो बाहर करेंगे हम लोग, नहीं तो पहले अगर ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स को छोड़ते हैं तो डेरिवेटिव किसे करना पड़ेगा, लॉग एक्स का, नहीं लॉग एक्स का प्लस, प्लस अगर प्लस अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने किया तो अब लॉग एक्स को छोड़ देना पड़ेगा, अब डेरिवेटिव किसका होगा, ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन डी एक्स का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ना, माने आप देख सकते हैं यू इंटू वी, अगर मान लीजिए इसको अगर मैं यू मान लेता हूं इसको वी मान लेता हूं तो इस पर बताइए ऐसा दिखे, नहीं आप यहां पे देख सकते हैं, उसके बाद थ्री इंटू ई का पावर माइनस थ्री एक्स, लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा ना, वन प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर से कितना करेंगे, वन प्लस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा डीएक्स, नहीं ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि x log x का डेरिवेटिव हम लोग x के रिस्पेक्ट में जानते हैं ना, और प्लस log 1 प्लस x इंटू ई टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 3x के रिस्पेक्ट में जाएगा, और ये फिर माइनस थ्री एक्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि ये 3 ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1 बटा x होता है, और यहां पे कितना जाएगा इसका क्वेश्चन का जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, और प्लस का लॉग वन प्लस एक्स होता है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्री इंटू ई का पावर माइनस थ्री एक्स बटा वन प्लस एक्स, और माइनस थ्री ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स इंटू लॉग वन प्लस एक्स,
यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप छोड़ दीजिए यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, लेट y इज इक्वल टू ए टू द पावर x इनटू साइन x बटा x प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको कोशेंट रूल लगेगा या फिर डिविजन रूल लगेगा, क्योंकि आपने डिविजन रूल मैंने आपको बताया अभी इससे पहले थोड़ा देर पहले बताया। अगर डिविजन रूल में देखिए यहाँ पे u बाय अगर v का मेथड है तो v को हम लोग छोड़ते हैं, u का डेरिवेटिव कर देते हैं और माइनस u को छोड़ दीजिए और v का डेरिवेटिव कर देते हैं और नीचे v का स्क्वायर कर देते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर वाले फंक्शन को अगर हम u माने, नीचे वाले को v माने, तो कितना हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x में क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स और माइनस ए टू दी पावर एक्स इंटू अगर साइन एक्स को हम लोग छोड़ देते हैं तो डेरिवेटिव किसका करेंगे हम लोग एक्स प्लस टू का क्या होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर का इसका फिर से क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। देखिए यहां पे देखो तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, नहीं यहां पे देखिए फिर से u इंटू वी वाला फॉर्म है, u इंटू वी वाला e टू दी पावर x इंटू साइन x है, तो u इंटू वी का फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन u इंटू वी वाला फॉर्म कितना हो जाएगा भाई, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अगर मान लीजिए सपोज इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, नहीं u और v के टर्म में मानते हैं, ये यहां पर u इंटू वी का टर्म है, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू दी पावर x को छोड़ते हैं, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा साइन x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन x को छोड़ते हैं किसका डेरिवेटिव करेंगे e टू दी पावर x के, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, अभी ये बंद हो गया क्योंकि इसका काम था, माइनस 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 e टू दी पावर x इंटू साइन x है और इसका डेरिवेटिव कितना, पावर मल्टीप्लाई में पावर में एक कम करेंगे तो कितना मिलेगा, वन मिलेगा और ये एक्स प्लस टू का पावर का कितना, दो दो ना चार, चार हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है भाई कॉस एक्स और इधर साइन एक्स ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स ही होता है और कितना हो जाएगा माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना देखिए नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस टू का पावर फोर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां से देखिए ए टू दी पावर एक्स कॉमन है और यहां से एक्स प्लस टू का होल कॉमन है स्क्वायर नहीं, तो एक बचा यहाँ पे कितना बच जाएगा, कितने बचेगा अंदर में, एक बचेगा एक्स प्लस टू बचेगा इंटू यहां से ए टू दी पावर एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया है इससे, तो यहां कितना बचेगा कॉस एक्स प्लस का कितना बचेगा साइन एक्स माइनस, देखिए यहां पे इस टू को छोड़ दिए हम लोग, टू तो नहीं कॉमन लिए हैं, इसको बाहर निकाले तो बाहर आ गया, इसको बाहर निकाले कितना हो जाएगा टू साइन एक्स और नीचे कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू का पावर फोर, एक्स प्लस टू का पावर कितना हो जाएगा फोर। देखिए इससे कटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा तीन ए टू दी पावर एक्स गुना कर दीजिए एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस का टू साइन एक्स और माइनस का टू साइन एक्स और नीचे कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो टू साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे अगर ये कितना हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स और ये मिस्टेक से दो लिखा गया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन है और ये कितना हो जाएगा प्लस का टू कॉस एक्स और नीचे क्या आ जाएगा आपका x प्लस टू का होल क्यूब, कितना हो जाएगा होल क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा।